वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये सूट आपको याद होगा, ये भाभी ने जब उनका गोल्डन बटन आया था तब मुझे समझ आ रही है कि ये अंदर से ऐसे खुला खुला क्यों है, पैर नहीं दिखेंगे, ऐसे ही होता है क्या? मैंने आज तक ऐसे वाला धोती पैंट नहीं पहना, लेकिन जब इसे खोल के देखा तो देखा कि ये तो ऊपर से ऐसा है पूरा, तो खैर इसके नीचे हम लेगिंग्स पहन लेंगे। और फ्रेंड्स पता है क्या हुआ, ये इसका जो मेरे सूट जो मैं पहनने वाली हूँ उसका दुपट्टा अपने आप पता नहीं रखे रखे कैसे साइड से फट गया। तो काला को अच्छे से सिलाई उलाई आती है, तो मैंने कहा आप जल्दी से इसको ठीक कर दो। और ये बहुत अच्छा था कि वो साइड से था, है ना? वैसे मैं बाहर जाने वाली हूँ, लेकिन ये मज़ा कहीं नहीं मिलेगा। मम्मी ने आज मेथी वाला चिकन बनाया और देखो मेरे लिए मिर्ची भी डाली है ऊपर से, तो मैं ये खा लूँ उसके बाद हम बाहर जाएंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी। मैंने अभी नहाया भी नहीं है, लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। थैंक यू मम्मी। जल्दी से रेडी हो जाते हैं और मैं सिंपल सा क्विक सा मेकअप करूंगी जो हम एवरीडे लोग करते हैं। उसके लिए मैं ये दो प्रोडक्ट यूज करूंगी जो कि है एक्टे का स्किन करेक्टर डीडी क्रीम और एक है इनका बीटरूट लिप एंड चीक। फ्रेंड्स ये जो डीडी क्रीम है ये एकदम फाउंडेशन वाला मैट लुक देता है, ये वाटर प्रूफ भी है, स्वेट प्रूफ भी है, और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें SPF भी है, तो आप ऑल इन वन क्रीम है, आप इसे लगा लेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। तो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ और ये वो भी है, मतलब थोड़ा सा लगा लो, क्या बोलते हैं इसको, हाई कवरेज, मतलब आप थोड़ा सा लगा लो और आपका बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये वैसी क्रीम है, ये बहुत ही लाइट वेट मेकअप लुक क्रीम है और अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब भी हो जाती है फ्रेंड्स, और ये मतलब एकदम मैट लुक देगी, स्वेट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, और आपको एकदम फाउंडेशन वाला लुक देगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ईजिली अप्लाई हुआ, हाइड्रेटिंग है कि आपको मॉइस्चराइजर अगर आप नहीं भी लगा रहे हैं तो चल जाए। ये क्रीम के मल्टीपल बेनिफिट्स है, मतलब इसमें SPF 25++ है, तो ये हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम देगा, सन से प्रोटेक्ट करेगा, UVB और UVA रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा, एंटी पॉल्यूशन भी है, स्वेट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स इसमें 10% नायासिनमाइड है। नायासिनमाइड एक प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन में जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, जो एजिंग के साइंस होने लगते हैं उसे कम करता है। इसका मतलब है कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात है कि एवरीडे मेकअप के लिए परफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इससे आपकी स्किन की क्वालिटी और भी ज्यादा इंप्रूव। और अभी मैं यूज करूंगी इनका लिप एंड चीक टिंट, ये भी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड भी है, इसमें बीट रूट भी है और टोमेटो भी है, तो इसे मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी पहले, और इसको ही मैं अपने चीक्स पे भी लगाऊंगी, और इसको ही मैं अपने आईज पे। फ्रेंड्स ये एकदम नेचुरल और ऑर्गेनिक लिप सॉल्यूशन है जो हमारे लिप्स को और चीक को एकदम रोजी पिंक इफेक्ट देगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है जैसे कि बीट रूट और टोमेटो। टोमेटो होता है जो हम इसे लिप्स पे लगाएंगे तो हमारे जो पिगमेंटेशन होती है उसे कम करेगा, और जो बीट रूट होते हैं वो हमें पिंक इफेक्ट देगा, और हमारे जो चैप लिप्स हो जाते हैं उसे कम। इसे लगाने से फ्रेंड्स दिन भर लिप्स मॉइस्चराइज रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इसे अपने चीक पे भी लगा लेती हूँ, और ये नेचुरल ऑर्गेनिक है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं, इसे आप सोने से पहले भी लगा। फ्रेंड्स मुझे एक्टे के दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगे, एवरीडे मेकअप के लिए परफेक्ट है, साथ इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और स्किन के टेक्सचर और क्वालिटी को भी। तो मैं तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करूंगी, आप जरूर ट्राई करिए, और इनके पास सिर्फ इसका लिमिटेड स्टॉक ही है, तो जल्दी जाइए खत्म ना। फ्रेंड्स अभी आपको सॉरी क्योंकि श्वेता का सवाल पार्ट टू बहुत टाइम से नहीं हो पाया, हम लोग एक बार शूट कर चुके थे ना? हाँ, शूट किया था लेकिन वो एडिटिंग में थोड़ा सा ऐसा हुआ नहीं हुआ, फिर टल गया, फिर सब बिजी हो गए, तो आज मौका भी है, ट्रैफिक भी है, और ये दोनों एकदम तो आज मौका मिल गया है तो हम एक आंसर देना है बिना टाइम वेस्ट के ताकि एडिट में फिर से ना अटके। तो क्विक बोलो, क्विक क्विक 10 बार क्यों बोलो तेज, चलो आप बोल दो, तुमसे बोलो, तुम बोलो 10 बार क्विक 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 लगी ना बतक पूरी है, चलो चलो बतक लगी ना पूरी, समझी भी नहीं बेचारी, तीनों सेंस में बोलती भी चली गई। बेसिक क्वेश्चंस पूछती हूँ क्योंकि जो नाम वाले थे वो लॉकडाउन के टाइम के क्वेश्चंस थे, क्वारंटाइन कैसे बताया आपको, आप दोनों के चैनल में देख ही चुके हैं हम सबके, तो मैं बेसिक क्वेश्चंस पूछती हूँ जो सबके रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे अच्छा ड्राइवर कौन सा है, कौन है आप दोनों में? पहले ये थी अभी मैं एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा किसने ज्यादा मेहनत करी स्कूल में, कौन ज्यादा पढ़ाई करता? मैं इतना नहीं करता था, मैं भी करता था, एवरेज स्टूडेंट था, मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी। अच्छा दोनों एक जैसे, किसने एक्सीडेंट मतलब कार में ठोका ठाकी ज्यादा की? सबा तूने जान के ये सवाल उठाया ना, आई नो इट, इसमें लिखा बेटा तूने मेरे हाथ की बर्थडे ड्रेस पहनी है, किधर बना के ले लूंगी। अच्छा स्मार्टर मीन्स कैसे, लुक वाइज या वैसे भी?
लुक वाइज ये स्ट्रीट स्मार्ट में नहीं नहीं लुक वाइज ऑब्वियसली बात है ये, बट हाँ एनी मतलब हर तरीके से बहुत स्मार्ट है, बहुत शानी है ये। मेरे लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे, अच्छा मैंने और मैं शूट पे थी, मैंने फोन करके पूछा अच्छा कितने लोग आ रहे हैं, कितनों का खाना ऑर्डर करूं, अरे एक मिनट 10, अरे यार दिप्पी तुम ना मत पूछा करो। तो ये ऐसे है कौन ज्यादा लेट करता है। बहुत ज्यादा ये सब इसकी साजिश है, इसने ऐसे ही सवाल उठाए, पूछो मत। मैं बहुत लेट लगती हूँ, अगर मैं आप जाने बस बस मैं लेट लगती हूँ। आप लोग पहले कहाँ मिले थे और किसने पहला मूव किया, मूव लिया क्या बोलते हैं उसको? अगर बातचीत का मूव है तो वो मैंने किया, क्योंकि जनाब बड़े एटीट्यूड में प्रोडक्शन हाउस में बैठे हुए थे, हम दोनों सबसे पहले मिले थे। हमने मॉक शूट साथ में नहीं किया था, किया था मॉक शूट का मेरे को याद नहीं, अरे किया था ना उधर, हाँ हाँ मॉक शूट, देखो याद भी नहीं है देखो। तो ये ऐसे एकदम ऐसे एटीट्यूड में बैठे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए थे, ये बहुत मैं किस्सा शेयर कर चुकी अगर आप लोग नहीं दिखा तो फिर से। और ये ना ऐसे अपने एक फ्रेंड के साथ आए थे, एकदम स्वरूप बन के बैठे हुए थे, तो मैंने बड़े प्यार फ्रेंड ने बड़े प्यार से मुझे पूछा था कि अच्छा आप फाइनल हुई है, हाँ 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 बोला हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो और मैं देख शो ये फाइनल हुआ, ये जस्ट ये अपने ईट वाले फोन में थे। एंड आई वाज लाइक ओ नो इसके साथ काम करना पड़ेगा। तो आई लव यू पहले किसने बोला? हम लोगों को खुद को एहसास नहीं हुआ और कभी ऑफिशियली कभी प्रपोज नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली अगर पहली बार मैंने प्रपोज किया था, आई अभी बोला था नचबली के सेट पे स्टेज पे मैंने बोला था। और अभी दिन भर में कितने बार बोलते हैं? अभी तो मैं ही बोलती हूँ, जितनी बार भी बोलना होता है अभी ये नहीं बोलते, अभी बहुत फुटेज खाते हैं। अच्छा तो आर्गुमेंट कौन पहले स्टार्ट करता है? देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन ढूंढे इसमें से, देखो मैं अपना गुस्सा ना पेट में नहीं रख सकती, मैं बड़बड़ बड़ करके निकाल देती हूँ, तो मुझे लगता है वो बेटर है, ऐसे होना चाहिए। क्यों भाई क्या? अच्छा जब टीवी देखते हो रिमोट किसके हाथ में होता है? बीच में होता है कोई भी, हाँ, कोई भी ले ले, इन हाँ, सब चीजों में झगड़े इसमें नहीं झगड़े होते हमारे, हाँ, जो देख रहा है वो देखो, तो हाँ, इसमें आप दोनों का टेस्ट एक जैसा है, हाँ, हाँ, एक जैसा है, और एक इंसान जब आधा फोन पे ही हो तो बेटर हो जाता है। Who is the better dresser? He, for sure. नहीं ये भी है जब करने पे आती है, वरना करती नहीं है, ये बहुत आलस में रहती है। मैं आलस में रहती हूँ, मतलब मैं आधे से ज्यादा वक्त से झल्ला घूमना पसंद करती हूँ, जिस दिन फिर रेडी होना है उस दिन फिर अच्छे से। ज्यादा सुबह उठ के ग्रम्पी होता है ये, ओ हो मतलब शुरुआत में दिस वॉज अ वेरी बिग इशू बिटवीन अस, बिकॉज ये जनाब उठते हैं और आधे घंटे तक ही इज लाइक दिस, इनको किसी ने बात नहीं करनी चाहिए, किसी ने कुछ बोलना नहीं चाहिए, किसी ने कुछ पूछना नहीं चाहिए, एंड एकदम लेकिन फोन ऐसे, हाँ एकदम ऐसे आधे घंटे तक ऐसे, और मैं उस वक्त ऐसे मैं बच्चे जैसे ना, मेरी एनर्जी उस वक्त सबसे हाई लेवल पे होती है, तो मैं ये वो, फिर हमारे बड़े झगड़े हुए, फिर मैंने सोल्यूशन निकाला कि मैं कडल के साथ टाइम स्पेंड कर लेती, मैं उसके साथ खूब मस्ती कर लेती, उसको खूब परेशान तो कौन है ना, और पर ये जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लाइक जैसे मेरे बर्थडे पे जो भी बनाया था पास्ता वास्ता बनाया था, कुक एक प्रॉपर कुक होता है, मैं कोई मुझे रेसिपी बताए तो मैं उसको पर हाथ में स्वाद है, लेकिन मुझे खुद से अगर बोलो कि खुद बनाना है चाहिए तो वो कहां आता है मुझे? पर हाथ में स्वाद है तो आप और फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, तो फिर हर चीज अच्छी है। तो अभी कुकिंग वाले ब्लॉग आने वाले हैं चैनल पे, कुकिंग वाले ब्लॉग आ रहे हैं क्या? अरे आप लोग कमेंट करो यार, अम्मा और आई है, सब आई है, हमारे लिए बर्थडे का खाना बना दिया, उनके लिए कुछ बनाना बनता है, बोलो बोलो बर्थडे से पहले भी अगर कर पाओ पैम्परिंग थोड़ी मेरी भी कुछ खिलाए लगा, कल संडे कल कुछ नहीं कर रहे हम लोग, कल शुरू हो जाओ, चुप ही हो गए, इग्नोर, ये इनका बेस्ट रेट है, इग्नोर। अच्छा चलो भाभी का सेलिब्रिटी क्रश आप बताओ। शाहरुख खान। भाई का? सुष्मिता सेन। अभी भी नहीं, अच्छी तो लगती है। भाभी का सबसे बड़ा डर? रेप्टाइल्स, अंधेरा, लिफ्ट। तो मतलब कोई भी
जहाँ पे भी क्रॉस ओवर पे फील करे वो। हाँ, ये इन्होंने सीक्वेंस भी बिल्कुल करेक्ट बताया है। वो बहुत बुरा होता है उनका। और भाई का सबसे बड़ा डर ऊंचाई। हाँ, इसको इस कार्टून में बहुत कुछ पसंद है। नहीं और कार्टून में इसको मिकी माउस वगैरह वो सारे कार्टून्स वो स्कूबी डू वगैरह वो बहुत पसंद है। बहुत देखे। और भाई का बचपन का कुछ डोनल डक। ये बोलते कम है ना। देखो मैंने ये सब बड़बड़ किया हुआ है। आई थिंक इनको मुझे कॉलेज डेज का याद है कि सलमान खान के लिए बहुत ही मेजर वाला क्रश था और उसकी लगन लगी पे ये सब पे परफॉर्म कर चुके हैं। बाल वैसे रखे थे तेरे नाम के बाद एंड वो ब्रेसलेट हमेशा रहता था वो मुझे पूरा पता है। ये नहीं पता बचपन का क्या था। बचपन का शो सर। हाँ बचपन के शो जो 90s शक्तिमान। हाँ 90s तो शो शक्तिमान। हाँ। शक्तिमान चित्रहार और कैप्टन व्योम। एक आया करता था स्मॉल वंडर। हाँ ठीक है वो बड़ा अच्छा था। वो बड़ा अच्छा था। एक क्या था वो जावेद जाफरी वाला अभी लास्ट के दो तीन क्वेश्चन बचे। भाभी को सबसे ज्यादा कहाँ घूमने की ख्वाहिश है अभी। इसको तो अभी कहीं भी घुमा दो। अभी पहले इसका स्विट्जरलैंड था घूमने का लेकिन अभी आजकल ऑफ लेट इसको दुबई ले चलो। जैन में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो चलेंगे। या तो हम शिमला मनाली का प्लान करेंगे या मैं तुम्हें राजस्थान खेमसर लेके चलूंगा। आप लोगों के पास 1 मिलियन अगर ऐसे पैसे आ जाए डॉलर्स में तो आप मतलब क्या करो उसका। क्या ख्वाहिश इतने पैसे आ जाए तो। ख्वाहिश ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। पर ये डिपेंड करता है कि पैसे आएंगे कैसे। अच्छा ऑब्वियसली बात है कि पैसे कैसे आएंगे। इनके ना सारे जवाब ऐसे होते हैं। आप दिन भर में कोई भी डिस्कशन कर लो शोएब यहां चले पर दीपी यहां जाएंगे कैसे। इनके साथ आप जब कोई डिस्कशन करो आपको ऐसे पेशेंस पीपी के बैठना पड़ता है। तो चलो अभी ये सोचिए कि आएंगे कैसे। जब आएंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे उनको करना क्या है। ठीक है करेक्ट। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन। भाभी की बेस्ट क्वालिटी आप बता दो। भाई की बेस्ट क्वालिटी अरे आप बताओ प्लीज थोड़ी तारीफ कर देना। नहीं बेस्ट क्वालिटी मैं कई बार बोल चुका हूँ आप सबसे सबके साथ में कि समझदार है। मुझसे बहुत लड़ती है वो बात अलग है पर एक फैमिली को होल फैमिली को लेके समझदार बहुत है। आई थिंक इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई एक चीज़ नहीं है एक लड़के के लिए कि वो लड़की जो उसकी लाइफ में आती है बहुत समझदार हो उसको समझे उसकी फैमिली को समझे। और बचपना तो फिर खैर चलता रहता है। नहीं बट ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है कि हर सिचुएशन के हिसाब से ही अपने आप को मोड कर लेती है अपने आप को ढाल लेती है चाहे फिर वो कैसी भी सिचुएशन हो अच्छी हो बुरी हो तो इसके फेस पे हमेशा मुस्कुराहट ही रहती है। ये इसकी एक अच्छी क्वालिटी है। हाँ मतलब एक हिम्मत रहती है। हाँ। तो हम लोगों को भी उनको देख के एक रहता है कि हाँ कि भाभी है तो सब ठीक ही हो जाएगा। शोएब शोएब का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि वो अपनी लाइफ में जो बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं वो बहुत ही बेस्ट वे में करते हैं और वो एक्चुअली इनसे सीखने वाली बात है क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाता। मतलब उनके जो बेटे की तरह भाई की तरह हस्बैंड की तरह दोस्त की तरह उनके हर रिलेशन में और उनकी लाइफ में क्लैरिटी बहुत है। वो किसी भी चीज़ को मन में नहीं रखते। वो आपसे गुस्सा है मुंह पे दिखेगा वो मन में कुछ नहीं रखेंगे एंड हर रिलेशन का बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। सो आई थिंक फॉर अ गुड लाइवलीहुड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है एंड ये मुझे इनकी अच्छी। अच्छा लास्ट में मेरे लिए कुछ मेरी क्वालिटी कुछ अगर अच्छी लगती हो तो कुछ अगर एक तो निकल आए ढूंढ के तो इसकी इनोसेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबा की इनोसेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है
और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि अभी काफी वक्त हो गया है कि ये यू नो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा काम कर रही है, लेकिन वो इनोसेंस बरकरार है और उसे बरकरार रखना. और दूसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छी फिलहाल कुछ समय से लग रही है कि इसने खुद अपने अंदर ढूंढ के निकाला है कि व्हाट शी एक्सेल्स इन, लाइक सोशल मीडिया या यूट्यूब जो भी है उसमें ये इतना ज्यादा अच्छा कर रही है, वो इसका खुद का निकाला हुआ है कि हाँ अच्छा मुझसे अगर हमसे जॉब नहीं हो पाएगा, अगर हमसे ये नहीं हो पाएगा तो हम लाइफ में कुछ तो करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, वो इसने खुद ढूंढ के निकाला है. सो दैट इज वन थिंग दैट आई, क्योंकि अपनी खामियां एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है जो इसने अचीव किया. अभी भाई कुछ बोल दो. आई थिंक यही दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं. चिपका जो नहीं वाकई में यही दो सबसे. अच्छा आप एज अ सिस्टर एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है जो बचपन से अब तक आप बोलोगे हाँ ये एक चीज सबा की मुझे बहुत ही अच्छी लगती है. जब मैं भोपाल में जब तक मैं था तब तक सभा इतनी बड़ी थी नहीं. 10 साल हो गए उस चीज को, चलो 10-11 साल हो गए था बचपन, तो वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा चलता था. हम दोनों में बहुत ज्यादा हम जो लड़ते झगड़ते थे ना, मतलब अम्मी पापा से जाके बोल देना भाई ये मतलब एक नंबर की चुगलखोर बहन नहीं होती. मैंने कुछ भी हल्का सा सा कर दिया सीधे अम्मी पापा के पास जाके वो चुगली कर देना उसको. तो उस टाइम तक बच्ची थी. उसके बाद हाँ सबसे मुझे एक चीज ये बहुत अच्छी लगी कि जब मैं वहाँ से निकला भोपाल से, तो जिस तरीके से सबा ने पूरा घर को टेक ओवर किया है एकदम से, वो समझदार बनी अम्मी को देखना पापा को देखना, तो वो एक चीज़ उसके अंदर है और आज भी वो चीज़ करती है वो नीचे. और जैसे कि फिर दीपिका ने बोला उसकी क्वालिटीज़ जो है वो अपनी खामियों को एक्सेप्ट करके इतना वो आगे तक पहुँची है और सक्सेस मिली है. बस सिर्फ यही दुआ है कि मेरी बहन है तो क्या हुआ, बस इतना ही दुआ करूंगा कि सक्सेस जैसी है इंशाल्लाह अपनी इनोसेंस को ऐसी बरकरार रखे और सक्सेस को कभी दिमाग में ना चढ़ने दे लाइफ में कभी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं आपने भी देखा होगा. बहुत इजी है कि इंसान की सक्सेस चढ़ जाती है दिमाग में, वो बस इस चीज को बरकरार रखे जो उसकी मासूमियत अभी है वो ऐसे ही बरकरार रहे, बस यही दुआ है. समझी मैडम? अरे जिनके घर में इतने अच्छे समझाने वाले हो, इतना अच्छे जब भाई भाभी मतलब जैसे आइडियल है, आइडियल या आइडल हाँ वो है, तो जब वो लोग इतने अच्छे से हर चीज जब उनके दिमाग में कभी सक्सेस नहीं चढ़ी तो फिर मेरा दिल छोटा क्या चलेगा. लेकिन नहीं इसमें एक चीज और भी होती है कि सक्सेस दिमाग में ना चढ़ना लेकिन अपनी वैल्यू भी कम ना करना, ये दो 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 डिफरेंट चीजें हैं. ऐसा नहीं होता आज हमसे भी कई लोग बोलते हैं अरे भाई आप तो ऐसे हो इतने बड़े हो ये वो, नहीं भाई लेकिन जो मेरी काम करने का जो एथिक्स है जो मेरी वैल्यू है अगर वो आपको लगता है कि हमें घमंडी दिखा रहे हैं तो ठीक है फिर आप सोच सकते हो हम उस पर नहीं जानते, क्योंकि हम वही बोलते हैं कि भाई फिर मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है कि मैं इस चीज पे घमंड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. अभी जैसे एक रिसेंट सा मैं किस्सा बताता हूँ, ये लोग वहाँ